ये देखिए आज मैं क्या लेके आई हूँ। ये है कटहल के बीज। तो आज हम लोग कटहल के बीज से कटलेट्स बनाएंगे, बहुत ही कुरकुरे एकदम छटपटे कटलेट्स। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कटहल के बीज डाल दिया है एक प्रेशर कुकर में। इसे हमें 4 सीटी लगने तक अच्छे से बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद देखिए इसका छिलका हमें उतार लेना है और कितना आसानी से इसका छिलका भी उतार रहा है। तो हम लोग सारे छिलके उतारने के बाद इसे एक मैशर की मदद से या फिर मिक्सर जार में डाल के इसे अच्छे से पेस्ट बना लेना है। देखिए ये पेस्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। नेक्स्ट एक पैन में मैंने 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। उसमें 1 roughly chopped अनियन डाल देंगे, प्याज, और उसमें जाएगा 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे हम लोग 1-2 मिनट के लिए अच्छे से चला लेंगे और फिर सारे मसाले ऐड कर देंगे। तो मसालों में पहले नमक डाल दिया है और फिर जाएगा हल्दी पाउडर और जाएगा 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर का और 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। इन्हें भी हमें 2-3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है ताकि मसाले के जो कच्चे फ्लेवर है वो निकल जाए। और फिर हम लोग डाल देंगे हमारे कटहल के बीज के जो पेस्ट है वो इसमें अच्छे से हमें मिला लेना है। इस स्टेज में आप लोग गैस बंद भी कर सकते हैं। बस इसी तरीके से हमें मिला लेना है। अगर आप लोग को ये थोड़ा हार्ड लगे तो आप लोग टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये खाने में बहुत ही क्रंची और सॉफ्ट ही लगेंगे। तो इसमें डाल दिया है फिर मैंने 1 चम्मच आमचूर पाउडर और खूब सारा धनिया, और बस इसे हाथों से हमें सब कुछ अच्छे से मिला लेना है। तो इसे अच्छे से हम लोग मिलाने के बाद इसको आप लोग कोई सा भी शेप दे सकते हैं। तो इसे मैं कटलेट की ही शेप दूंगी, छोटी छोटी बॉल्स में ऐसे छोटे छोटे कटलेट्स हम लोग इसे तैयार कर लेंगे। ये खाने में इतने मज़ेदार लगते हैं कि आप लोग शाम के चाय के साथ या फिर स्नैक्स के रूप में कभी भी कोई गेस्ट आए तो आप लोग इसे सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल छटपटे करारे कटलेट्स आप लोग के बस झटपट 2-3 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। देखिए ये बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के। अभी फिर से पैन में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच वेजिटेबल ऑयल और उसमें जाएगी हमारी कटलेट्स। इसे हमें शैलो फ्राई करना है एकदम लो टू मीडियम फ्लेम में। देखिए इसे ज़्यादा डीप फ्राई करेंगे तो ये एकदम अनहेल्दी बन जाएगा, उसीलिए मैंने इसे शैलो फ्राई किया है थोड़े से ही तेल में एक पैन में। अगर आप लोग को डीप फ्राई करने का मन है तो आप लोग डीप फ्राई भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमें इसे पलट के चेक कर लेना है ताकि दोनों तरफ से इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, और इस तरीके से हम लोग इसे पलट लेंगे और इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा प्रेस भी कर लेना है ताकि तेल अंदर तक जाए। और बस दोनों तरफ से ये हल्का हल्का ब्राउन होने तक हमें फ्राई कर लेना है, और फ्लेम भी लो टू मीडियम ही रखिए ताकि आपके सारे कटलेट्स कुरकुरे बने। तो ये बिल्कुल फ्राई हो चुका है, इसे हम लोग अभी निकाल लेते हैं। आइए अभी इसे सर्व कर लेते हैं। आप लोग को इसे अभी सॉस के साथ, चटनी के साथ या इमली के चटनी के साथ इसे अच्छे से खा सकते हैं। ये बहुत ही कुरकुरे सॉफ्ट और डिलीशियस बने हैं। तो ये सॉस मैंने डाल दिया है। आइए एक आप लोगों को मैं तोड़ के दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट बने हैं। देखिए
तो ये वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।